आप देख रहे हैं TNB। एक केस रजिस्टर किया गया UOW में, FIR नंबर 178/2022। कंप्लेंट्स मिली थी कि कुछ लोग ये पासपोर्ट और फर्जी वीजा के आधार पर बाहर नौकरी लगा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं लोगों को। प्लेसमेंट एजेंसी इन्होंने खोली थी, एक फीजा प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से, जनकपुरी में इनका ऑफिस था। तो इस जब जैसे ही कंप्लेंट मिली, इसके बाद केस रजिस्टर किया गया और इसमें चार लोग अरेस्ट किए हैं कल। और इनका ये था मोडस ऑपरेंडी कि ये कई सारे लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, सब एजेंट के थ्रू, कई लोगों को झांसे में रख के उनसे पैसा लेते थे कि आपको फॉरेन में, गल्फ कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया कंट्रीज में जॉब दिलवाएंगे और आपको वहाँ भेजेंगे। पर पर्सन उनसे लगभग 1,00,000 रुपया लेते थे, 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपया तक उनसे लेते थे और उनको कहीं नहीं भेजते थे, उनको इस तरह का फेक वीज़ा टाइप का देते थे। और बाद में इन्होंने अपना ऑफिस बंद कर लेते थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद करके फिर दूसरी जगह जाके ऑफिस खोलते थे। तो जनकपुरी में इनका ऑफिस था एक, और उसके बाद फिर वो बंद कर दिया तो दूसरा ऑफिस इन्होंने अभी कनॉट प्लेस में खोला हुआ था। वहाँ पे जब हमारी टीम ने रेड करी तो वहाँ से, और फिर फर्दर निजामुद्दीन एरिया से चार लोग हमने अरेस्ट किए। ये अरेस्ट किए हुए लोग हैं राम अनमोल ठाकुर, सन ऑफ राम कृपाल ठाकुर, ये नेपाल के रहने वाले हैं, लगभग 35-36 साल इनकी एज है। अरशद सन ऑफ यामीन, ये भी लगभग 35 ईयर है। गुलबहार अली सन ऑफ नसीम अहमद, और एक लेडी है श्रुति डॉटर ऑफ गंगा प्रसाद। ये चार लोग अरेस्ट किए हैं। लगभग 360 के करीब पासपोर्ट हैं, 59 अभी तक हमें फेक वीज़ा मिले हैं, एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और कुछ कंप्यूटर्स वगैरह मिले हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कंप्लेनेंट से जो बात हुई और जो कंप्लेंट आई उसमें ये है कि कई सारे कंप्लेनेंट जो हैं थोड़े यूपी, बिहार और इस तरह के एरिया के, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमें बाहर जॉब मिले दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो किसी ने अपनी ज़मीन भी बेची है, किसी ने कुछ अपना ज्वेलरी भी गिरवी रखी है, इस तरह के कंप्लेनेंट अभी सामने आए हैं। अभी तक 80+ कंप्लेंट्स हमारे पास में है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये कब से कर रहे थे? ये लगभग एक डेढ़ साल से ये लोग कर रहे थे। कितने भी लोगों को टारगेट सर बना चुके हैं? 80 के करीब हमारे पास अभी विक्टिम आए हैं। और पासपोर्ट जो हमें मिले अभी 360 पासपोर्ट मिले हैं। सर जो पासपोर्ट है जेन्युइन है या क्या? अभी तक पासपोर्ट जेन्युइन है, वीजा उसमें ये नकली लगाया हुआ है। तो ये क्या करते थे, इनके पास में से हमें स्टैम्प्स भी मिली है 29, तो वो फर्जी स्टैम्प लगा के उनको जॉब ऑफर बताते कि आपको बाहर से ऑफर, अपॉइंटमेंट ऑफर आ रखी है। तो इस तरह से लोगों को चीट करते थे, सोशल मीडिया पे अपना प्लान बताते थे कि यहाँ से इस तरह की जॉब ऑफर आ रखी है, तो उस पर फेसबुक पे लोग कमेंट करते थे, उनको नंबर होते थे। तो प्रॉपर इन्होंने अपना एक ऑफिस मेंटेन किया होता था, जिसमें से कई कॉल सेंटर टाइप चलाते थे, लड़कियाँ रखी हुई थी जो फ़ोन करती थी इनको, और फिर उनको बुलाते थे वहाँ के अपने लोकल एजेंट्स के माध्यम से, उनसे पैसा लेते थे और फिर थोड़े दिन बाद वो ऑफिस बंद करके भाग जाते थे और अपने फ़ोन नंबर वगैरह सारे बंद कर लेते थे। अखबारों का ज्ञापन अभी नहीं आया, सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग। वीजा जो है पूरी तरह फेक होता था, किसी मतलब एम्बेसी या किसी उनका कोई, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमें 59 वीजा मिले जो फेक है। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।